आशंका थी, शक था, मनमुटाव था, पट्टी नहीं थी, हुआ कुछ नहीं था, खुद कानून तोड़ा था, अतिक्रमण किया, नगर निगम ने कार्रवाई कर दी, अवैध कब्जा हटाया तो कानून तोड़ने वालों ने वो कर दिया जो अक्षम्य है। लेकिन अब कानून का एक्शन टाइम है, कार्रवाई जारी है, गिरफ्तारी हो चुकी है, अब कबूलनामे की बारी। अतिक्रमण कार्रवाई और बवाल, बरेली में खामोशी और सन्नाटा, शहर में हर तरफ पुलिस का पहरा, शक और फिर हिंसा की साजिश। हुआ कुछ नहीं था, केवल शक था, आपसी मनमुटाव था, खुद कानून तोड़ा था, अतिक्रमण किया, नगर निगम ने कार्रवाई कर दी थी। जो राम जानकी मंदिर यहाँ पर फेमस मंदिर है, उसके पास का इलाका है, जनकपुरी इलाका कहलाता है, ये पॉश इलाका है और इस इलाके में तमाम हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल स्टोर हैं, बैंकें हैं, तो ये कॉमर्शियल पूरा इलाका है और इसके पीछे आबादी वाला इलाका है। और ये जो अल नवाज चिकन बिरयानी सेंटर है, यहाँ पर कल इसको बंद कराने के लिए जब नगर निगम की टीम पहुंची थी, तभी बवाल हुआ। दरअसल बरेली के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने एक चिट्ठी नगर आयुक्त को लिखी है कि नगर निगम क्षेत्र में जितनी भी मीट की दुकानें हैं, उन सबको सावन के पूरे महीने बंद रखा जाए। बरेली के प्रेमनगर इलाके में कल हुए बवाल के बाद अभी भी तनाव है। कल करीब 6 घंटे तक हिंदू संगठनों ने यहां पर उपद्रवियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया था। इसके बाद मौके पर कई थानों की पुलिस, पीएसी और आरएएफ को तैनात किया गया। मामला ऐसा कि सुबह जो है एक दुकान के सामने अतिक्रमण था, वहां पर नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाया। वहाँ भ्रम हुआ कि अतिक्रमण हटाने काम जो है बगल के दुकानदारों ने कराया और उसी उत्तेजना में विवाद हुआ, दोनों पक्षों में मतलब मारपीट हुई। एक पक्ष को किसी को चाकू लगना बताया गया, अभी सीसीटीवी फुटेज देख करके इस पर कार्रवाई की जा रही। सूबे के सबसे संवेदनशील जिलों में से एक बरेली में हुए बवाल के बाद लखनऊ तक हड़कंप मचा रहा। जनकपुरी में बिरयानी की दुकान को लेकर हंगामा हुआ था। नगर निगम ने कार्रवाई की तो बिरयानी के दुकान के मालिक ने सोचा कि बगल के दुकान के कहने वालों पर कार्रवाई हुई। इसके बाद बिरयानी दुकान के मालिक ने कुछ लोगों के साथ दवा व्यापारी पर तलवार और चाकूओं से हमला कर दिया। अंकित भाटिया को गंभीर चोटें आई। मेरे नाम दुकानों में घुस घुस के मारा, ये सब खून में दुकान में घुस घुस के मारा पीटी करी है। 40 लोग थे कम से कम, हथियार कौन कौन, चाकू थे, तलवार थी, गड़सा था, दो के हाथ में तमंचे थे। अंकित भाटिया का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहीं इस मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस मामले में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुकानें यहाँ पे हैं जो चिकन और बिरयानी की दुकानें हैं, जिसको लेके कुछ लोगों को आपत्ति थी, आपस में कुछ कहा सुनी हुई, ऐसा बताया जा रहा है कि उनके ऊपर कुछ लोग हमलावर हुए और उन्होंने उनके साथ मारपीट की है, तो इस पे यहाँ पे पुलिस आई है और थोड़ी भीड़ भाड़ थी जिस पर बातचीत करके उनको हटाया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना सामने आने के बाद कुछ संगठनों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर कई थानों की पुलिस, पीएसी, आरएएफ, डीएम, एसएसपी पहुंचे और हालात को काबू किया गया। फिलहाल इलाके में सभी दुकानों को बंद कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।